गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू ईवीएस इन क्लास थर्ड। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी ईवीएस की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 5, लीव्स। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, लीव्स का मतलब क्या होता है, जो पत्तियां होती है उन्हें हम लीव्स कहते हैं। जैसे आपके घर के आसपास आपने जो है कई पेड़ होंगे, उन पर आपने जो है पत्तियों को यानी देखा होगा, ठीक है। तो लीव्स का मतलब होता है पत्तियां। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 लीव्स में, हम पढ़ेंगे कि जो पत्तियां होती है वो कैसी कैसी हो सकती है, उनके यूजेस क्या क्या है, इनका शेप जो है एक दूसरे से किस तरह से अलग होता है, फ्रेग्रेंस किस तरह से अलग होती है, और इस बारे में ये चैप्टर दे रखा है। तो इस चैप्टर की रीडिंग को करना शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग अनंत एंड अपर्णा वेंट फॉर अ वॉक इन द गार्डन विद देयर ग्रैंडमदर। तो एक सुबह अनंत और अपर्णा जो होते हैं वो अपनी दादी माँ के साथ गार्डन में वॉक के लिए जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द ग्रैंड मदर गॉट टायर्ड एंड दे ऑल सैट डाउन अंडर अ ट्री। तो कुछ समय के बाद जो ग्रैंड मदर होती है, जो दादी जी होती है, वो परेशान हो जाती है, टायर्ड यानी परेशान होना, एंड दे ऑल सैट डाउन अंडर अ ट्री। तो जो है कुछ समय बाद दादी जी परेशान हो जाती है, तो सारे जो होते हैं जैसे अनंत, अपर्णा और दादी जी, वो सारे के सारे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सेट डाउन अंडर ए ट्री यानी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सडनली यानी अचानक, समथिंग फेल ऑन अपर्णास हेड। तो अचानक से जो है अपर्णा के सर पर आकर कुछ गिरता है। इट वाज अ लीफ, और वो क्या होती है, एक पत्ती यानी लीफ होती है। शी पिक्ड इट अप एंड शोड इट टू हर दादी। तो वो उसको जो है लेती है और अपनी दादी को दिखाती है। हु टोल्ड हर दैट इट वॉज अ लीफ ऑफ अ पीपल ट्री। तो जो दादी जी होती है वो अपर्णा को बताती है कि यह पीपल के ट्री यानी पीपल के पेड़ की लीफ है यानी कि पत्ती है। अपर्णा वॉज फैसिनेटेड बाय द शेप ऑफ द लीफ। तो जो अपर्णा होती है वो लीफ की शेप को देखकर फैसिनेटेड यानी क्या हो जाती है, मोहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, यानी वो उसके शेप को बहुत अलग लगता है उसको शेप, तो उसको देखती रह जाती है। दादी टोल्ड हर दैट डिफरेंट ट्रीज हैव लीव्स ऑफ अ डिफरेंट शेप्स। तो दादी उसको बताती है जो अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं, अलग अलग तरह के जो पेड़ होते हैं उनकी लीव्स अलग अलग शेप की, साइज की और कलर की होती है, यानी उनका शेप अलग होगा, उनका साइज अलग होगा, और यहाँ तक कि उनका कलर भी अलग होगा, किसका, अलग अलग पेड़ों के अलग अलग पत्तियों का। सम ऑफ देम इवन हैव अ फ्रेग्रेंस, और कुछ में तो जो है सुगंध भी होती है। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, सुगंध, तो कुछ में अलग सुगंध भी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो सम ऑफ देम इवन हैव अ फ्रेग्रेंस, तो कुछ लीव्स में क्या होती है, अपनी एक सुगंध भी होती है। दादी आस्क अनंत एंड अपर्णा टू टेक अ राउंड ऑफ द गार्डन एंड कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स। तो जो दादी होती है वो अनंत और अपर्णा को कहती है कि तुम दोनों जाकर एक गार्डन का, पूरे गार्डन का एक चक्कर लगा के आओ, और कुछ है अलग अलग तरह की जो लीव्स होती है उनको इकट्ठा करके आओ, ठीक है। कलेक्ट का यानी मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो दादी बोलती है अनंत और अपर्णा से कि तुम दोनों जाकर है एक गार्डन का चक्कर लगा के आओ और अलग अलग तरह की जो पत्तियां हैं उनको कलेक्ट करो यानी इकट्ठा करो। अनंत वेंट टुवर्ड्स अ मेहंदी प्लांट्स एंड वाज अबाउट टू प्लक सम लीव्स। तो जो अनंत होता है वो मेहंदी के प्लांट यानी मेहंदी का जो पौधा होता है उसके पास जाता है और कुछ लीव्स को प्लक करने लगता है, प्लक यानी तोड़ना शुरू कर देता है। अबाउट टू प्लक सम लीव्स व्हेन दादी कॉल्ड आउट, तो दादी जब वो लीव्स को यानी मेहंदी प्लांट के जो लीव्स है उनको तोड़ रहा होता है तो दादी उसको बोलती है, डू नॉट प्लक लीव्स, पत्तियों को मत तोड़ो, कलेक्ट ओनली दोज लीव्स व्हिच हैव फैलन डाउन फ्रॉम द प्लांट्स। तुम्हें सिर्फ वही पत्तियों को जो है कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, जो खुद से जो है पेड़ों से गिर रही है। जैसे कि लीव्स होती है उनकी भी एक क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। जब उनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो वो पेड़ से टूट कर गिर जाती है। तो यहाँ पर दादी बोल रही है कि पत्तियों को तोड़ो मत, सिर्फ उन पत्तियों को ही इकट्ठा करो जो पेड़ से नीचे गिरी हुई है। अनंत एंड अपर्णा वेंट अराउंड द गार्डन, और जो अनंत और अपर्णा होते वो जो है गार्डन के चारों ओर घूमते हैं, कलेक्टिंग लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, और अलग अलग पौधों से अलग अलग तरह की लीव्स को कलेक्ट यानी इकट्ठा करते हैं। दे कैम बैक टू दादी एंड शोड देयर कलेक्शन ऑफ लीव्स। तो अनंत और अपर्णा जो होते हैं वो वापस अपनी दादी के पास आते हैं और अपनी लीव्स का जो कलेक्शन होता है वो उनको दिखाते हैं,
कलेक्शन यानी बहुत अलग अलग तरह के उन्होंने लीव्स जो है इकट्ठी की होती है, जैसे अपन बच्चों के पास, आप बच्चों के पास भी क्या होते हैं खिलौने होते हैं अलग अलग तरह के, तो आपका भी एक खिलौनों का कलेक्शन हो जाता है। तो वैसे ही अनंत और अपर्णा ने अलग अलग लीव्स का क्या किया था, कलेक्शन किया था, यानी अलग अलग लीव्स को उन्होंने इकट्ठा किया था और अपनी दादी को दिखाया। दे वर अमेज टू फाइंड दैट ईच लीफ वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो वो दोनों देख, तो अनंत और अपर्णा ये दोनों ही ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, या चकित हो गए, अमेज्ड यानी चकित यानी हैरान हो गए कि अलग अलग जो लीव्स है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। उन्होंने बहुत सारी ट्री से लीफ जो है इकट्ठी की थी, और ये लाइन क्या है, दे वर अमेज टू फाइंड दैट ईच लीफ वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि हर एक लीफ जो है एक दूसरे से अलग दिखती है। अनंत पिक्ड अप लीव्स ऑफ पीपल एंड बैनियन ट्री। तो जो अनंत था उसने कौन कौन सी पत्तियां इकट्ठा की थी, पीपल और बरगद के पेड़ से जो है उसने पत्तियां इकट्ठी की थी, और बैनियन ट्री, एंड सेड लुक दीज लीव्स आर सो बिग एंड ब्रॉड। तो उसने क्या कहा, देखो ये जो पत्तियां हैं बहुत ही ज्यादा बड़ी और ब्रॉड है, ब्रॉड यानी फैली हुई है। तो ब्रॉड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप लिखोगे ब्रॉड का मतलब फैली हुई है, ब्रॉड का मतलब होता है फैली हुई। तो जो अनंत था उसने कौन कौन से ट्रीज की लीफ कलेक्ट की थी, उसने पीपल और बैनियन, बैनियन यानी बरगद, ठीक है, बैनियन यानी क्या होता है बरगद का जो पेड़ होता है उसकी लीव्स को इकट्ठा किया था। और उसने कहा कि लुक देखो दीज लीव्स आर सो बिग एंड ब्रॉड, देखो ये जो पत्तियां हैं कितनी बड़ी और ब्रॉड है यानी फैली हुई है। अपर्णा पिक अप द लीव्स ऑफ अ नीम एंड अ रोज प्लांट एंड सेड बट दीज लीव्स आर सो स्मॉल। तो जो अपर्णा थी उसने नीम के प्लांट यानी नीम के पौधे से, नीम के पेड़ से और रोज का प्लांट यानी गुलाब के पौधे से कुछ पत्तियां इकट्ठी की थी और कहा था यानी कहा कि बट दीज लीव्स आर सो स्मॉल, और कहा कि ये पत्तियां तो बहुत ज्यादा छोटी है, स्मॉल यानी क्या है छोटी है, बट दीज लीव्स आर सो स्मॉल, ये पत्तियां बहुत छोटी है। अब नेक्स्ट, अपर्णा फेल द लीव्स ऑफ पीपल एंड मनी प्लांट विद द विद हर फिंगर्स। तो जो अपर्णा थी वो पीपल के प्लांट की जो लीव्स थी और मनी प्लांट की जो लीव्स थी उनको अपनी अंगुलियों से, हाथ अंगुलियों से जो है फील कर रही थी, और उसने कहा दीज लीव्स फील सो स्मूथ, कि ये जो पत्तियां हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है स्मूथ है यानी कोमल है। अनंत सेड, अनंत क्या कहता है, बट द लीव्स ऑफ अ बैनियन ट्रीज हैव अ रफ सरफेस, बट ये जो बैनियन का ट्री है यानी जो बरगद का पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी है, रफ सरफेस की है यानी खुरदुरी सतह की है। रफ का मतलब क्या होता है, रफ यानी खुरदुरा, खुरदुरी कह सकते हैं, खुरदरी सतह, सरफेस का मतलब होता है सतह। तो अपर्णा जो थी उसने अपने अंगुलियों से मनी प्लांट और पीपल के लीव्स को फील किया, महसूस किया और कहा कि ये जो लीव्स है वो बहुत ज्यादा क्या है स्मूथ है कोमल है। और अनंत सेड, अनंत कहता है कि बट द लीव्स ऑफ अ बैनियन ट्री आर, बैनियन ट्री हैव अ रफ सरफेस, बट जो बैनियन का ट्री है बरगद का जो पेड़ है उसकी पत्तियां की सतह कैसी है खुरदुरी है, यानी उस पर जब अपन हाथ लगाते तो अपन को रफ जो है खुरदुरी लगती है। अब नेक्स्ट, दादी पॉइंटेड आउट सी लीव्स हैव डिफरेंट मार्जिन्स। तो जो दादी है वो कहती है एक लीव को पॉइंटेड करके यानी दिखा करके कि सी लीव्स हैव डिफरेंट मार्जिन्स, क्या कहती है दादी कि जो पत्तियां होती है उसमें अलग अलग तरह के मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन्स यानी क्या होता है, कोर कह सकते हैं अपन, छोर कह सकते हैं, ठीक है। तो जो दादी है वो कहती है कि देखो लीव्स के जो सी शी लीव्स हैव डिफरेंट मार्जिन्स, तो जो पत्तियां होती है उनमें अलग अलग तरह के कोर या छोरे होती है। सम हैव अ रेगुलर इवन मार्जिन, कुछ का छोर कैसा होता है, रेगुलर होता है, वाइल सम लाइक नीम लीव्स हैव एन अनइवन मार्जिन। अब मैं आपको एक ड्राइंग से बताती हूँ कि मार्जिन क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक यहाँ पर लीव बनाती हूँ, ठीक है, जैसे अपन लीव बनाते हैं, ये अपन ने नॉर्मल एक लीव बनाई, इसका जो मार्जिन है यानी आपको मैं एक बार फिर से ये देखे, जहां पर मैं ये चला रही हूँ वापस, इसका मार्जिन कैसा है, एकदम रेगुलर है यानी इवन है ना, एकदम इवन है। जबकि यहाँ पर मैं एक नीम प्लांट की आपको लीफ बनाकर दिखाती हूँ,
तो ये जो लीव है इससे अलग दिख रही है, क्यों? क्योंकि इसका जो मार्जिन है, मार्जिन क्या, ये क्या होता है इसका मार्जिन, ये कैसा है? अनइवन है, यानी बराबर नहीं है। इवन का मतलब होता है बराबर, अनइवन का मतलब होता है जो बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो जो नीम प्लांट है उसकी जो लीफ है उसका मार्जिन यानी उसकी कोरे कैसी है, उसका छोर कैसा है, अनइवन है। जबकि जो मनी प्लांट है, जो पीपल का, पीपल की लीफ है, उनका मार्जिन कैसा होता है, इवन और रेगुलर होता है, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब होता है कोर, मार्जिन का मतलब हो गया कोर, इवन का मतलब बराबर, और अनइवन का मतलब जो बराबर नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये नीम का प्लांट है, नीम प्लांट की लीफ है, इसकी जो मार्जिन है वो बराबर नहीं है, अनइवन है, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर है, फिर कट रही है, फिर वापस रेगुलर, फिर कट रही है, फिर वापस रेगुलर है, फिर कट रही है यहाँ से, ठीक है। पर जबकि अपन ने मनी प्लांट का जो लीफ बनाई है, ये मनी प्लांट की लीफ ये कैसी है, इसका मार्जिन कैसा है, रेगुलर है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, मार्जिन यानी फोरे। तो दादी बोलती है कि सी लीव्स हैव अ डिफरेंट मार्जिन, सम हैव अ रेगुलर इवन मार्जिन, यानी कुछ में लगातार जो होते हैं मार्जिन कैसे होते, बराबर होते हैं, वाइल सम लाइक अ नीम लीव्स हैव एन अनइवन मार्जिन। तो लीव की जो है, जो नीम की लीव है वो मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाई, जैसे आपने देख लिया उसका मार्जिन कैसा है, अनइवन है, यानी बराबर नहीं है। अनंत एंड अपर्णा शाउटेड टुगेदर, और जो अनंत और अपर्णा होते हैं वो साथ में चिल्लाकर बोलते हैं, लुक दादी दीज लीव्स हैव कलर डॉट्स एंड लाइन्स ऑन देम, कि देखो दादी इन पत्तियों पर जो है रंग बिरंगे डॉट्स हैं और लाइन भी बनी हुई है। जैसे यहाँ पर एक मैं लीफ बनाती हूँ, ये अपनी नॉर्मल लीफ हो गई, उस पर क्या है लाइन्स, ये हो गई लाइन्स, ठीक है। कई बार अपन बनाते हैं, ये हो गई लाइन्स और उस पर क्या है, ऐसे डॉट्स हैं, क्या है, डॉट्स हैं। तो अनंत और अपर्णा एक साथ चिल्लाकर बोलते हैं, लुक दादी दीज लीव्स हैव अ कलर डॉट्स, यानी इस तरह के कलर डॉट्स है और लाइन्स ऑन देम, और इस पर क्या है, लाइन्स बनी हुई है। She said most of the leaves are green, but some have other color. और वो दादी जो है वो कहती है कि ज्यादातर जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, हरे रंग की होती है, but some have other color, but और जो कुछ दूसरी पत्तियां होती है वो अलग रंग की होती है, and pattern on them, रंग भी अलग और उनका जो pattern होता है वो भी अलग होगा। अब pattern क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक leaf बनाती हूँ, ठीक है, ये एक normal leaf है, इसका pattern क्या है, यहाँ से line शुरू हो रही है, ये सामने सामने जो है यहाँ पर क्या होगी, lines होगी, जबकि कुछ लीव्स इसमें जो लाइंस होगी वो बराबर नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से होगी। आपने देखी होगी कई लीव्स में इस तरह का पैटर्न मिलता है, तो ये क्या है, पैटर्न है, इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। तो दादी क्या बोलती है कि सी सैड मोस्ट ऑफ लीव्स आर ग्रीन बट सम हैव अदर कलर, तो ज्यादातर पत्तियां जो है हरे रंग की होती है पर कुछ अलग रंग की होती है, एंड पैटर्न फॉर देम, और उनका जो पैटर्न होता है वो भी अलग होता है। सम लीव्स हैव अ टिपिकल स्मेल ऑल्सो, और कुछ लीव्स में जो है टिपिकल स्मेल यानी विशिष्ट सुगंध होती है, यानी अलग तरह की सुगंध, ठीक है, अलग तरह की सुगंध, अलग तरह की सुगंध यानी विशिष्ट गंध। सम लीव्स वर ऑफ अ मीडियम साइज, दादी बोलती है कि कुछ लीव्स कैसी होती है, मीडियम साइज की, यानी और ना ज्यादा लंबी होगी ना ज्यादा छोटी होगी। लाइक द लीव्स ऑफ अ मनी प्लांट सम लीव्स वर लॉन्ग एंड नैरो, और कुछ लीव्स कैसी होती है, लंबी और पतली होती है। नैरो का मतलब क्या होता है, नैरो का मतलब अपन हिंदी में तो संकीर्ण लिखते हैं, संकीर्ण यानी पतला। तो दादी यहाँ पर बता रही है सम लीव्स वर ऑफ मीडियम साइज, कुछ लीव्स होगी वो मीडियम साइज की होगी, ना यानी कि ना ज्यादा बड़ी होगी ना ज्यादा छोटी होगी। लाइक द लीव्स ऑफ मनी प्लांट, तो किसका उदाहरण देख सकते हैं अपन, जो मनी प्लांट होती है उसकी लीव्स कैसी होती है, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, मीडियम साइज की। सम लीव्स वर लॉन्ग एंड नैरो, तो कुछ जो लीव्स होती है पत्तियां होती है कैसी होती है, लंबी और पतली होती है। लाइक अ लीव्स ऑफ मैंगो एंड अशोका ट्रीज, यानी कि जो अपना आम का पेड़ होता है और अशोक का पेड़ होता है उसकी पत्तियां कैसी होती है, लंबी और कैसी, पतली, नैरो यानी संकीर्ण। जैसे आप ये देख सकते हो इतनी पतली सी लीव होती है, ठीक है, किसकी, अशोक के पेड़ की या फिर आम के पेड़ की। अब नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू स्टे इन द गार्डन फॉर सम मोर टाइम, तो जो बच्चे थे अनंत और अपर्णा वो गार्डन में कुछ और देर के लिए भी रुकना चाहते थे। बट दादी प्रोमिस टू ब्रिंग डैम अगैन द नेक्स्ट डे एंड दे ऑल कम बैक होम, तो दादी ने जो है अनंत और अपर्णा से वादा किया कि वो नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन उनको फिर से यहाँ पर लेकर आएगी, उसके बाद दे ऑल कम बैक होम, उसके बाद वो सभी
अपने घर चले गए। तो आज की क्लास में हम यही तक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना शुरू किया जिसका नेम है लीव्स यानी पत्तियां। ठीक है, तो पत्तियां जो होती है इसमें इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, पत्तियां होगी वो अलग अलग तरह की होंगी, उसका शेप, उसका कलर, उसका साइज अलग होगा, उनके मार्जिन अलग होंगे जैसे अनइवन मार्जिन, रेगुलर मार्जिन, उनका पैटर्न अलग हो सकता है। और ये भी पढ़ेंगे कि लीव्स जो होती है उनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, अपन उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्लांट्स होते हैं जो उनकी लीव्स जो होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की होती है यानी उसमें औषधीय गुण होते हैं। तो ये सारा जो है अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन यूजेस ऑफ लीव्स पढ़ेंगे यानी जो पत्तियां होती है उनके अपन क्या क्या यूज ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको जो मैं चैप्टर समझा रही हूँ वो समझ आ रहा होगा, और नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे। आज आपको वापस इस चैप्टर को अपने घर पे बैठकर इसकी रीडिंग करनी है और समझना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।